नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूं या फिर हम कोई भी इंडस्ट्री की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, तो देश को लेकर जिस तरीके से बेटियों की सम्मान की बात होती है, बेटियों की सुरक्षा की बात होती है और बेटी को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी यही चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका नारा काफी ज्यादा सुर्खियों में है और उसको लेकर लगातार बेटियों से जुड़ा ऐसे लोग काम कर रहे हैं, जिसको लेकर बेटियां आज उस मुकाम पर पहुंची है जिस मुकाम पर लड़के को पहुंचने में भी काफी ज्यादा मेहनत, स्ट्रगल और संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम बेटियों की बात करें तो बेटी हमारे देश के एयरफोर्स में बड़े बड़े विमानों को उड़ाने में, चाहे वो देश का नेतृत्व करने में, हमारी बेटियां सबसे आगे है और बेटी जो है वो हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने जा रही है। और कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, कई सारी ऐसी बेटियां हैं जो देश के नेतृत्व में, देश के बढ़िया हिस्से में और बढ़िया पोस्ट पे जो है वो लगातार वार्तालाप कर रही हैं, बात कर रही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं देश में और हमारे समाज में और पूरे देश में ये मैसेज आ रहा है कि बेटियां कहीं ना कहीं लड़कों से आगे है और बेटियां हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। कहा यह भी जाता है कि जिस घर में अगर बेटियां ना हो तो वो परिवार खुशनुमा नहीं रहता है। खुशनुमा कहने का मतलब कि चहल पहल नहीं रहता है, वहां पर लक्ष्मी का शायद वास कम होता है, और जिस घर में महिलाएं होती हैं, जिस घर में लड़कियां होती है, वहां का परिवार जो होता है सुख समृद्धि बना होता है, चाय होता रहता है और वहां का जो घर का खुशनुमा माहौल होता है वो कहीं ना कहीं बना रहता है, जिसको लेकर बेटियों को इस तरीके की बात की जाती है। और वैसे भी बेटी हमारी लक्ष्मी मानी जाती है। तो आज बालिका दिवस है और बालिका दिवस पर लगातार तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े नेता से लेकर बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े सेलिब्रिटी से लेकर बड़े लोग जो है बेटियों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातें बोल रहे हैं और अपने बेटी के सम्मान में और बेटी को बढ़ावा देने के लिए, बेटी को सम्मान और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोग अलग अलग तरीके की बात भी कर रहे हैं। और उनमें से एक नाम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का भी है। खेसारी लाल यादव ने अपनी बेटी का एक फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट किया है और फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरी बेटी मेरा वजूद, मेरी बेटी मेरा वजूद, मेरी बेटी मेरा अस्तित्व, मेरी बेटी मेरा वजूद, मेरी बेटी मेरा अस्तित्व, मेरी बेटी ही मेरी हंसी और मेरी खुशी, यानी कि मेरी बेटी ही मेरी हंसी मेरी खुशी, लव यू लव यू लव यू। इस प्रकार की चीज़ें जो है खेसारी लाल यादव ने अपनी बेटी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है और नेशनल गर्ल चाइल्ड जो है डे जो है उसको लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी है। तो कहीं ना कहीं एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और लोग के लिए एक अच्छा मैसेज है कि लोग बेटियों को इतने सम्मान से देखते हैं और बेटी को बढ़ावा देने के लिए और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं।